सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर दे करम मौला, कर दे करम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप इस वक्त देख रहे हैं कोरोना फंड टेलीथॉन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फंड रेजिंग टेलीथॉन है। इस फलाही मुहिम में हमें आपके एहतियात की बेहद ज़रूरत है। पूरी दुनिया इस वक्त एक क़यामत के समा से गुजर रही है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें और ताकतें ढेर हो गई हैं और किसी का बस नहीं चल रहा, वहां पाकिस्तान को भी परेशानी का सामना है और सैकड़ों की तादाद में अफराद लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल हैं और बेरोज़गार हैं। बहरहाल इंसान अपनी कुव्वत के तहत अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में भी हुकूमत पाकिस्तान और तमाम सूबाई हुकूमतें अपने अपने तौर पर आवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोरोना की वजह से मुआशी बदहाली से निपटने के लिए रिलीफ फंड का भी ऐलान किया और एक हकूमती फंड भी कायम किया है, जिसमें आप अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं और अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद कर सकते हैं। इस खसूसी कोरोना टेलीथॉन ट्रांसमिशन में हमारा साथ रहेगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल, वज़ीर-ए-आला KPK महमूद खान, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, इसके साथ ही मुख्तलिफ ममालिक के अम्बेसडर्स और दुनिया भर की अहम शख्सियात और सितारे हमारे साथ होंगे। बोल न्यूज़ के स्टूडियोज़ में हमारा साथ देंगे कराची से नूरुल आरिफीन सदीकी, किरण नाज और फैसल कुरैशी। लाहौर से हमारे साथ हैं उसामा गाजी, फिज़ा अकबर और असद खरल साहब। इसके साथ इस्लामाबाद से मेरे साथ अमीर अब्बास। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल और इससे पैदा होने वाले हालात और इसके जवाब में हुकूमत ने जो इकदाम उठाए हैं, इस पर एक रिपोर्ट बनाई है हमारी टीम ने, वो देखें। इसके बाद हम अपने मेहमानों की जानिब जाएं। लब सिसक रहे हैं अब आँखों में है उम्मीदें, कब देखेंगे हम उम्मीदें। सत्रह नवंबर 2019 चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। 31 दिसंबर 2019 चीनी हुकाम ने वायरस के मुतालिक आलमी दारा सेहत को आगाह किया और उस वक्त तक वायरस जोर पकड़ चुका था। दुनिया के माहिर साइंसदान सर तोड़ कोशिशें करते रहे पर इलाज दरियाफ्त ना हो सका। आखिरकार हुकूमत ने अवाम को समाजी फासला अख्तियार करने की हिदायत दी और लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। चीन की अवाम ने हुकूमती अहकामात पर संजीदगी से अमल करते हुए इस मोहलिक वबा को शिकस्त दी। चीन के बाद कोरोना वायरस ने यूरोप में अपनी जड़ें मजबूत की, जिसमें इटली, स्पेन, बर्तानिया, फ्रांस और कई दीगर ममालिक बुरी तरह मुतासिर हुए। यूरोप के बाद वायरस ने अपना रुख ईरान की तरफ किया, जहां ये वायरस काफी तेजी से फैला। ईरान में कई पाकिस्तानी जायरीन भी वायरस में मुब्तला हो गए। अमेरिका, जिसे दुनिया की सुपर पावर का दर्जा हासिल है, इस वक्त वहां मुतासरीन की तादाद सबसे ज्यादा है। 26 फरवरी 2020 पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट हुआ। हुकूमत के पास लॉकडाउन के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अप्रैल के अख्तिताम पर मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 20,000 हो गई, जबकि अमवात की तादाद 400 से तजावुज कर गई। कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। लॉकडाउन के बाइस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक बड़ी तादाद में आवाम बेरोजगार हो चुके हैं। आवाम को एक तरफ वबा का फैलाव रोकना है तो दूसरी तरफ मुल्क की 6 करोड़ गरीब आबादी की भूख और रोजगार का ख्याल भी रखना है। कोरोना वायरस से निमटने के लिए हुकूमत की जानिब से कोरोना रिलीफ फंड कायम किया गया, जिसमें कई लोगों ने एहतियात जमा कराए, मगर जिन हालात से मुल्क इस वक्त गुजर रहा है, वहाँ हुकूमत को अवाम के मजीद साथ और मदद की जरूरत है। मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि वो आगे बढ़ें और इस मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करें। अपने एहतियात दिए गए हुकूमती बैंक अकाउंट नंबर पर जमा कराएं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इस वक्त इमरान खान साहब जो खसूसी पैगाम आपके लिए लाए हैं, आइए आपको उस जानब लिए चलते हैं। एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो लोग और बहुत लोग जो मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से,
कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से इतने ज़्यादा मुतासरीन हैं कि हमें इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। तो इसलिए आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ उसमें शिरकत करें। नाज़रीन, कुछ ही देर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या थॉट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आइए पहले वो जानने फिर आपकी कॉल्स की जाने पड़ते हैं। पाकिस्तान के मुख़य्यर हज़रात से मेरी दरख्वास्त और अपील है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के कोरोना फ़ंड में और हुकूमत बलूचिस्तान के कोरोना फ़ंड में शरीक हों, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हम इस पूरे पेंडेमिक में मिलकर एक कौम की सूरत में लोगों की मदद भी कर सकें और इस चैलेंज को फेस भी कर सकें। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियां सईद साहब अंजुमन आराई पाकिस्तान से। जी मियां साहब, क्या डोनेट करना चाहेंगे आप? मैं, हमारी जो तंजीम अंजुमन आराई पाकिस्तान, उन्होंने 25 लाख रुपया दिया इमरान खान साहब को गवर्नर हाउस में। बहुत शुक्रिया, कोरोना रिलीफ टेलीथॉन में फंड रेजिंग के लिए आपका अजहद मशकूर हूँ सर। नाज़रीन, अगर आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर गरीब आवाम के लिए, इस मुल्क के उन लोगों के लिए जो उस्ताद ज़्यादा हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर इस वक्त जो टेलीफोन नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल कीजिए और कदम बढ़ाइए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने बोल के तवस्सुत से एक पैगाम आवाम के लिए भेजा है, आपको दिखा दें। वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना रिलीफ फंड में दिल खोल कर एहतियात हैं, इस मुश्किल सूरत हाल में निकलने के लिए वज़ीर आज़म का साथ दें, पाकिस्तान से लगा। वफाकी वज़ीर बराए इत्तला'आत शिबली फराज साहब की जानिब से भी आपके लिए एक पैगाम आया है, नाज़रीन वो भी सुनिए। कोरोना की वबा ने हमारी पूरी मुल्क को अपने और दुनिया को अपने हिसार में लिया हुआ है, और इस मुश्किल वक्त में हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मानना है कि वो लोग स्पेशली जो के मुआशी तौर पे कमज़ोर हैं और जिनके के रोज़गार, दिहाड़ियाँ, दुकानें, इस किस्म का जो ख़ास तौर पे वो तबका जो कि अपनी इनकम से महरूम हो गया है, तो उसके लिए जो फ़ंड क्रिएट किया है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तानी आवाम से, एक्सपैट्रिएट जो के मुल्क से बाहर हैं, कि उसमें बड़े फराख़दिलाना अंदाज में उसमें डोनेशन करें, और ताकि हम ये जो आवाम है जो कि जिनको सपोर्ट चाहिए उनको हुकूमत सपोर्ट कर रही है। ऑलरेडी हमारी हुकूमत, बावजूद इसके कि हमारे बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है, लेकिन हुकूमत की लिमिटेशंस होती हैं, तो इसमें ये सब की कॉज है, ये पाकिस्तान की कॉज है, और बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। और इसके साथ ही तुर्की की आवाम की जानिब से भी आपके लिए तुर्की के सफीर एक पैगाम दे रहे हैं, वो भी देखिए। Coronavirus devastation being continued worldwide. We have to fight this pandemic with unity as Turkey stands with Pakistan in this crucial moment. We hail Pakistan's role in war against coronavirus. Turkey and Turkish people join hands with the people of Pakistan in war against coronavirus. Thank you. ये खुसूसी पैगामात नाज़रीन आपने सुने, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अनवर गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर गनी साहब, आप साथ मौजूद हैं हमारे, क्या डोनेट करना चाहेंगे सर? ये 30 मिलियन किया हमने डोनेट। 30 मिलियन जी, बहुत 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 शुक्रिया अनवर गनी साहब, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। अब से कुछ देर बाद नाज़रीन हमें गवर्नर पंजाब भी ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त माशाल्लाह जो रकम हमारे पास जमा हो गई है इस वक्त तक, वो है 3,25,00,000 रुपए। तो नाज़रीन, तमाम साहिब इस्तेआत अफराद से मैं गुजारिश करूंगी कि पाकिस्तान वैसे ही दुनिया में पहले नंबर पर है सदक़ात, खैरात और अतियात देने में, तो इस वक्त बोल की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगी कि इसमें अपना हिस्सा डालिए, गरीब आवाम की मदद करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, हमें कॉल कीजिए। जी यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब भी मौजूद होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। इससे पहले कि हम सीएम सिंध साहब की जानिब जाएं, एक अहम तरीन कुव्वत जिसका हमारे दीन और माशरे में हम मकाम है और इनके बगैर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी भी परेशानी या इम्तिहान से मुकाबला करें, ये कुव्वत है हमारे उलमा की और इनकी रहनुमाई की।
इस कार्य खैर के लिए भी हम मुख्तलिफ उलमा की जानिब से दिए गए खुसूसी पैगाम आपके लिए लाए हैं, ये देखिए। वजीर आजम पाकिस्तान ने जो कोरोना वायरस के खात्मे के लिए इमदादी फंड कायम किया है और मुख्तलिफ मकामात पर उस इमदादी फंड के हवाले से बात हो रही है, तो मेरी गुजारिश है कि आमतुन्नास जो हैं उसमें भरपूर हिस्सा लें, साहिब खैर उसमें भरपूर हिस्सा लें ताकि आपके अपने भाइयों की मदद हो सके। आज हमारे हम शहरी कोरोना वायरस की मुश्किल की वजह से जो लॉकडाउन के हुआ है उसमें मुश्किलात का शिकार है, और इन मुश्किलात को हल करने का पहला वजीफा इंसान का खुद है जितना हो सके, और साथ साथ हुकूमत वक्त अगर वो इस तरह से काम कर रही है कि वाकयन हकदार को और मुस्तहक को उसका हक देने की कोशिश कर रही है, तो फिर हम सब का वजीफा बनता है हम उसका हाथ बटाएं। अब हमारे साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुराद अली शाह साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए, कोरोना वायरस अब तक किसी भी सूबे में कंट्रोल नहीं हो पाया और लॉकडाउन की वजह से हुकूमत पर कई और जिम्मेदारियां भी आ गई हैं, इसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर चीजें शामिल हैं। इस वक्त आपकी अव्वलीन तरजीह क्या है? सीएम सिंध होते हुए इस पूरी सूरत हाल से कैसे निमटने का सोच रहे हैं? राशन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा पहला मकसद क्या है, मैंने कहा पहला मकसद मेरा ये है कि कहीं भी कोई मजमा नहीं इकट्ठा करना है, नहीं तो इस वायरस को फैलाऊंगा। मैं आपको एक राशन का बैग दे के साथ में ये कोरोना वायरस दे दूं तो ये तो मैं बहुत बड़ा जुर्म कर रहा हूँ। तो इस वजह से हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, और उस मैकेनिज्म में एक ये भी तनकीद चल रही कि हमने इतना राशन बांट दिया और किसी को पता ही नहीं चला। पता इसलिए नहीं चला कि हम बिल्कुल पता नहीं करना देना चाहते किसी को, और ये वक्त आने पे वक्त के वो अभी भी मैं रिलीज़ कर सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं करना चाह रहा कोई ऐसी चीज़ रिलीज़ के एक एक राशन बैग के साथ शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो चेक कर लीजिएगा बाद में जाके, जिसने करना है, जिसने ऑडिट करना है वो ऑडिट कर ले। ना सिर्फ हमसे हमारे साथ शाना बशाना जो फलाई इदारे इस सूबे में ख़ासतौर पर कराची शहर के, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। शुरू में तकलीफ़ हुई, जैसे हुई मजमा इकट्ठा हुआ हमने उनको मना किया, फिर पुलिस और रेंजर्स, खासतौर पर रेंजर्स ने एक मैकेनिज्म सेट किया, तो वो सुबह सुबह 4 बजे राशन तकसीम करते हैं, घरों में जाके करते हैं, किसी गली के कोने पे सुबह 4-5 बजे बुलाते हैं लोगों को, अब इंश्योर करते हैं उस वक्त तो नहीं आएंगे ना, एक जमा नहीं होगा, तो एक सिस्टम किया है। मैं खुद नहीं कह रहा, मुझे आज किसी, ये जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, एक ज़िम्मेदार आदमी ने कहा है कि अब मैं मेरे पास ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं, उन्होंने मुझे कहा है कि इसलिए, और वो इसके बीच में है राशन डिस्ट्रीब्यूशन के, ये सियासी आदमी नहीं, मैं एक गैर सियासी आदमी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से कराची के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेहतर हुई है पूरे पाकिस्तान, ज़्यादा और बेहतर हुई है। तो ये हमारी सक्सेस ये जो हमने कुछ सख्ती की, हाँ इसमें तकलीफ़ ज़रूर हुई लोगों को। मैं दोबारा ये कहता हूँ कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, मैंने सुबह एक बात की थी, हमें इकॉनमी को दोबारा ज़िंदा करना आता है, इकॉनमी को रिवाइव करना आता है, एक मरे हुए शख्स को ज़िंदा करना पॉसिबल है। एहसास प्रोग्राम जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, क्या सिंध हुकूमत इसको वसी करने के लिए अपना हिस्सा डालेगी? बिल्कुल कर सकते हैं, और हमने सोचा भी इसके बारे में, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त जो एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 4-5 दिन का, उससे कुछ सीखा जाए, और ये बातें हमने की हैं। हमने बड़ा क्लियरली कहा था कि आउटलेट्स ज़्यादा होने चाहिए, कम आउटलेट्स हैं, जो इस वक्त प्रोसीजर है कि 2 बैंक्स के थ्रू काम हो रहा है उसको और बैंक्स में बढ़ाना चाहिए, जो रिटेल आउटलेट्स हैं इनसे पैसा, और ये बाकी मोबाइल कंपनीज के हैं इनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोग स्कैटर हो जाए और एक साथ जमा ना हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। ये बात आज भी हमने की है और उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट इस पर करेगी। दिहाड़ीदार तबका और मजदूर जो रोज़ कमा कर घर चलाते हैं, इस हवाले से क्या आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? शायद हमने शुरू में पहले दिन ही, पहले 2-4 मिनट कुछ पहले हफ्ते के अंदर ही ये एक ऑर्डर पास किया था, एग्जेक्टिव ऑर्डर था, और उसको हमने कहा है कि जी
कोई किसी को नौकरी से नहीं निकालेगा। एक तो फिर वो जो लोग नौकरी पेशा है, मजदूर चाहे हो किसी फैक्ट्री में, मेरे साथ फैक्ट्री ओनर्स की एक मीटिंग हुई थी, जो बड़े फैक्ट्री ओनर्स हैं, फिर ताजरों की भी हुई थी, शॉपकीपर्स की भी हुई थी, उन सब ने मुझे अश्योर किया कि हम इस महीने किसी को हम नहीं निकालेंगे, हम तनख्वाह देंगे, हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगे, हम समझते हैं प्रॉब्लम्स होंगे और उनको एड्रेस करना होगा। और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से बात हुई और फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ उस पर कुछ इंसेंटिव्स भी दिए हैं इनको, इन लोग ताजरों को और फैक्ट्री वालों को, कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। दिहाड़ीदारों की जहाँ तक बात है, अगेन हमारे पास एक सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम इनहेरेंट मौजूद है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम वेस्टर्न मुल्कों की तरह नहीं है जो कि अपने नेबर्स का पता भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कई मुल्कों में रहा हूँ दुनिया के, और जहाँ जहाँ पे भी रहा हूँ तकरीबन सिवाय कुछ, हम मैं मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ, वहाँ थोड़ा फ़र्क था, लेकिन वेस्टर्न मुल्कों में ख़ासतौर पर मेरा एक भी जो है मोहल्ले वाला मेरा दोस्त नहीं था, जानने वाला नहीं था। आज मतलब मैं किसी जगह पे रहा तो शायद सड़क पे चलते हुए सलाम दुआ हलो आए कर ली, बाकी हमें पता भी नहीं था कि उस घर में लोग कितने रहते हैं। ठीक है, ये एक हमारा माशरा बिल्कुल फ़र्क है। हमारे माशरे में कोई शख्स, आप अगर किसी अपने पड़ोसी को पता चलेगा कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसको भूख लगी हुई है, इसके बच्चों ने खाना नहीं खाया, आप क्या करेंगे? मेरा ख्याल है हमारे माशरे में ऐसा है कि वो सोशल सपोर्ट सिस्टम रिश्तेदारों का हुआ तो रिश्तेदार भी एक दूसरे को नहीं पूछते, रिश्तेदारों का, मोहल्ले वालों का, दोस्तों का एक मैकेनिज्म मौजूद है। फिर तंजीमें हैं बहुत सारी जो ये काम करती हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि तकलीफ़ ज़रूर होगी लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? अगर किसी दिहाड़ीदार को, किसी मजदूर को करोना वायरस हो जाए, चले दिहाड़ीदार मजदूर तो दूर की बात है, किसी करीबी को, किसी रिश्तेदार को करोना वायरस हो जाए तो हम उसको देखने भी नहीं जा रहे हैं। ये प्रायोरिटीज़ हमने थोड़ी सी सेट करनी पड़ेंगी, और इन प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेंगे तो समझ आ जाएगी कि इसका वे फॉरवर्ड, हल नहीं मैं कह रहा, वे फॉरवर्ड क्या है। आप कोरोना फंड टेलीथॉन के लिए मुखय्यर हजरात को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमने वो एडवर्टाइज़ किया हुआ, मैं ओपनली जाके, मुझे बहुत लोगों ने दिए, मुझे कई लोगों ने, मैंने एक किस्सा बताया भी है काफ़ी मीडिया में, कि दफ्तर में बैठा था और शुरू के दिन थे कि 10 लाख रुपए का एक चेक और उसके साथ एक खत मुझे मिला, और वो लिखा हुआ था हाथ से किसी ने, और कहा था कि मैं 88 साल का हूँ, रिटायर्ड आदमी, और मैं अपनी सेविंग्स हैं मैं उसमें से ये इसलिए कि जो आप काम कर रहे हैं, और उनका नंबर भी लिखा हुआ था साथ में। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो मुझे नाराज़ हो गए कि आपने टाइम क्यों वेस्ट किया मुझे फ़ोन करने के लिए, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया तो उनका नहीं नहीं शुक्रिया तो मैं आपका अदा करना चाहता हूँ। बहुत मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि क्या मैं आपका ये ख़त दे सकता हूँ मीडिया में, उन्होंने कहा कि मेरा नाम निकाल के दें, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उनका मैंने ख़त वो मीडिया में दिया था, उनका नाम और कॉन्टैक्ट सारा निकाल के, जरूर 88 ईयर ओल्ड रिटायर्ड शख्स, कभी सेविंग्स हैं, अमीर थे, गरीब थे, मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता वो कौन, लेकिन उन्होंने दिया। इस तरीके से कई लोगों ने और ना सिर्फ मुल्क से बाहर भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं उनसे कोई ख़ास हमारे पास नहीं आई, बिल्कुल ही नहीं आई बल्कि कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं चाहूँगा कॉन्ट्रीब्यूट करें लेकिन इस वक्त वो भी तकलीफ में। मैं समझता हूँ कि हर एक को प्रॉब्लम्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म सिंह सैयद मुराद अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इस वक्त जिस वबा से हम सब परेशान हैं, ये एक आलमी वबा है और पूरी दुनिया इससे मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। हमें इस मौके पर पाकिस्तान में मौजूद चाइनीज सफीर ने आपके लिए पैगाम दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। I think this is a very unfortunate disease. It is spreading all over the world. Unfortunately, Pakistan is also having it. But I think a little happy or that encouraged, because your government and your society acted very promptly and effectively. Your government at the federal level and the provincial levels, you have already adopted the measures, and meanwhile you are also looking after the common people's lives and this. So I think that right now this kind of social distancing, self-awareness, isolation tracing and all this have started produce some results. So hopefully things will get better. Yeah, we take it as a common challenge to whole humanity.
And because China and Pakistan, we are strict partners. We are extremely closely friends. So Chinese government and the Chinese people are firmly standing with Pakistani government and the Pakistani people. We are fighting together against this pandemic. We are fighting together against this disease. And we also share our confidence and courage that in overcoming this virus. इस वक्त एक डोनर ने हमें ज्वाइन किया है, इरफान इकबाल शेख साहब साथ हैं, हमारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। जी इरफान साहब, क्या डोनेट करेंगे? जी हमने दिया है 10 मिलियन 1 करोड़ रुपया, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर फंड में हमने 2 करोड़ रुपया जमा करवाया, और हम मैं समझता हूँ ये तो अभी शुरुआत है, अभी ये क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसने भी बहुत देर चलना है, कोरोना एकदम खत्म नहीं हो जाना, तो इसमें हमने सब लोगों ने हमारी टोटल बिजनेस यूनिट से मेरी भी अपना रिक्वेस्ट है कि सब इसमें बढ़ चढ़ के आए, और एक बात याद रखें, जो भी साइबर शरबत है जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अच्छा उसको दिया हुआ है, उसके ऊपर ये मैं समझता हूँ फर्ज बनता है कि अपने साथ भी लोगों को साथ मदद करे, अगर नहीं करेगा यकीन मानिए उनके लिए पैसे जो बवाल बनेंगे, हर सूरत लोगों की मदद करे, हर सूरत आगे आए, हर सूरत इसमें शामिल हो, क्योंकि मैं समझता हूँ उनकी बका के लिए, उनकी आखिरत के लिए, उनके लिए बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब हमारे पास मुजमी डोनेशन का जो नंबर है वो 6,25,00,000 तक पहुंच चुका है। और अगर आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालकर अपने मुल्क के गरीब आवाम की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल करें। अवाम पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के भी खसूसी पैगाम हैं, जिसमें अली जैदी, फरदोस शमीम नकवी, अली मोहम्मद खान, हलीम आदिल शेख व दीगर शामिल हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। ये जो कोरोना क्राइसिस पूरी दुनिया में हिट कर गया है और पाकिस्तान को भी अफेक्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है वो तो एक दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक फ़ंड भी अनाउंस किया है, प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फ़ंड। तो मैं सारे पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर दरख्वास्त करता हूँ कि दिल खोल के इस फंड में हिस्सा लें और जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, ताकि जो कम आमदनी वाले लोग हैं हमारे, जिनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इकोनॉमिकली भी, उनकी हम मदद कर सकें। हमारी कौम पे शायद इससे पहले इतना मुश्किल वक्त कभी नहीं था। मैं आप तमाम पाकिस्तान, चाहे वो बैरूनी मुल्क हों चाहे अंदरूनी मुल्क, उनसे एक ही गुजारिश है कि ये वक्त आ गया है कि हमें अपने मुल्क और अपने मुल्क में रहने वालों के साथ खड़ा हों। आए हम सब मिलकर दिल खोल कर वज़ीर आज़म के कोरोना वायरस फंड में दिल खोल के हथियार दें। ये मेरी आपसे गुजारिश भी है, इल्तजा भी है, और बोल के का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वो पब्लिक सर्विस में चला। मौका ऐसा है कि इसमें जो खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोरोना रिलीफ फंड कायम किया है, तो उस पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना हो सके हम सब उसमें अपनी बसात के मुताबिक उसमें डालें। ये अल्लाह से, हम अल्लाह से बिजनेस करना है, अल्लाह को कर्ज़ देना है। कौन होगा जो अल्लाह को कर्ज़ नहीं देगा? अल्लाह के दोस्तों के लिए, क्योंकि अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत ही अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह कह रहा है मेरे दोस्तों को थोड़ा सा दे दो, हमारी 7 नस्लों के लिए काफ़ी होगा। अगर हमने, क्योंकि बंदा 10,000 भी देता है, 10 लाख देता है, 100 रुपये देता है, 1 करोड़ देता है, मैं बताऊँ 7 नस्लों के लिए काफ़ी होगा। और इंशाल्लाह इस मुश्किल से हम निकलेंगे, एक कौम बन के निकलेंगे, जैसा इमरान खान साहब ने भी कहा कि ईमान की ताकत से इंशाल्लाह कोरोना की वबा से मुकाबला जो है वो करेंगे। नसर मिन अल्लाह व फतह मिन करीब। बोल्ड न्यूज़ का जो महफूज पाकिस्तान है उसका भी प्लीज़ साथ दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के कोरोना रिलीफ फंड में तमाम पाकिस्तानियों और बैरून पाकिस्तानियों से तमाम से कहता हूँ कि हिस्सा डालिए, इसलिए कि इस वक्त कोरोना की जंग में पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान फ्रंट फुट कर रही है। वज़ीर आज़म की आप सबसे उम्मीद है इंशाल्लाह कोरोना रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डालिए और कोरोना से पाकिस्तान को निजात दिलाने में कदर डालिए। भूल का पैगाम महफूज पाकिस्तान। इसके साथ ही कीनिया के सफीर ने भी पाकिस्तानी अवाम को कीनिया की अवाम और हुकूमत की जानिब से पैगाम दिया है, आइए देखें। कोरोना वायरस डिजीज इज अ ग्लोबल चैलेंज फेसिंग ऑल ह्यूमैनिटी। कोरोना वायरस डिजीज इज अ पैंडेमिक
which has infected more than 2.1 million people across all continents and has killed over 145,000 people in the last 2 months. The government and people of Kenya are in solidarity with the government and people of Pakistan in the fight against coronavirus disease. In order to defeat coronavirus disease, I appeal to all Pakistanis and fellow Kenyans in Pakistan to strictly follow the government of Pakistan health protocols. The government of Pakistan has issued health protocols, including but not limited to the following: washing your hands regularly, keeping safe distances, wearing a face mask in public, and staying at home. If we follow these protocols strictly, we shall be able to defeat coronavirus disease and our lives will come to normal. Kenya and Pakistan stand together at this critical time in the fight against coronavirus disease. Let us stop corona and save the world. पाकिस्तान के स्पोर्ट्स स्टार्स जिनके हीरो हैं इमरान खान साहब, क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन थे और हर वो शख्स जो स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखता होगा इसकी इमरान खान से अलग मोहब्बत होगी। इन चैंपियंस ने इस ट्रांसमिशन के जरिए आपके लिए जो पैगाम दिए हैं आइए देखते हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक इज मेकिंग द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी सिंक विद 25% ऑफ आवर पॉपुलेशन बीनीथ द पॉवर्टी लाइन। पाकिस्तान कैन बी अमंगस्ट द फर्स्ट हिट कंट्रीज। Here, our people have to make a stark choice between the poverty and this pandemic. We can help them a lot by providing essentials to their doorstep so they don't have to go out and, you know, expose themselves to this one. Our overseas Pakistanis are biggest asset. You have never turned us down. Kindly, please come forward again. We need you this time around again. Please come forward and donate to the Prime Minister Corona Relief Fund. That would be a great transparent formula where we can help the poor people. जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस कैसे फैल रहा पाकिस्तान में तेजी से, और इस दौरान पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन हुआ हुआ है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, और गवर्नमेंट ने कोरोना रिलीफ फंड बनाया, आए उसमें कंट्रीब्यूट करें और इस कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा डालें और कंपेन शुरू करें जैसे सब चैनल्स ने की है, अब बोल न्यूज़ वाले कर रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। कोरोना वायरस पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल चुका है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी इसका शिकार है। पाकिस्तान का पॉवर्टी बैंक बहुत बड़ा है और बहुत से गरीब और मुस्तहिक लोग हम सब की मदद के उम्मीदवार हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद की है। आई अर्ज ऑल द काइंड हार्टेड पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट जेनरसली टू आर पीएम Imran Khan's Corona Relief Fund. Salaam alaikum. Our Prime Minister Imran Khan is doing a lot of effort against the pandemic corona. Please deposit funds to the Prime Minister's Corona Relief Fund. Our Prime Minister Imran Khan wants to save lives of the Pakistanis from COVID-19. Corona se dauna nahi, lagna hai. Pakistan zindabad. वज़ीर आज़म इमरान खान का जो कोरोना रिलीफ फंड है, प्लीज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात जमा करवाइए। सपोर्ट योर प्राइम मिनिस्टर, बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान। हमें एक डोनर ने ज्वाइन किया है, शाहजहाँ मलिक साहब हमारे साथ हैं, डोनेट करना चाहते हैं। जी शाहजहाँ साहब, क्या डोनेट करेंगे? जी राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने 15-20 ट्रक चावल जिनकी तादाद बनती है 100 टन, वो डोनेट किए हैं। हमने 8 वेंटिलेटर्स डोनेट किए हैं। इस वक्त हमारे पास डोनेशन का अमाउंट 8,25,00,000 और 8 वेंटिलेटर तक पहुंच चुका है। अगर आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालकर अपने मुल्क की गरीब आवाम की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल करें।
नाज़रीन आपसे अपील है कि वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और हमेशा पाकिस्तानियों ने जिस तरह जलजला हो सैलाब हो ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख़य्यर हज़रात ने आम पाकिस्तानियों ने भी और ख़ास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुश्किल की इस घड़ी में हमें उम्मीद है कि आप इस रिलीफ फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जी नाज़रीन, कुछ ही देर में गवर्नर पंजाब हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों की जानिब जो आपके लिए खुसूसी पैगाम दे रहे हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। अताउल्लाह सफेल भी हाजिर है एक खास मकसद के लिए, खूबसूरत मकसद के लिए। आप जानते हैं पूरी दुनिया इस वक्त किन हालात से गुजर रही है और हमारा खूबसूरत पाकिस्तान भी एक मुश्किल वक्त में है, मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मैं मुख़य्यर हजरात से गुजारिश करता हूं कि इस कठिन वक्त में हुकूमत का साथ दें, प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डालें ताकि इन मुश्किल हालात में इमरान खान आपके तआवुन से अवाम को मज़ीद रिलीफ मुहैया कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मैं पूरी कौम को दरख्वास्त करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में अतियात जमा करवाएँ। ये पैसे इंशाल्लाह मज़ीद इसकी बेस्ट यूटिलिटी होगी, इस वक्त कौम को ज़रूरत है और बिलखसूस उन लोगों को जिनके घर राशन नहीं है, खाना नहीं है, उनको मुहैया किया जाएगा इससे राशन, और इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जितने लोग उम्रे पे जा रहे थे, जो नफली उम्रा था या नफली हज, अगर वो ये पैसे इस तरफ डाइवर्ट कर देंगे तो उसका भी एक अच्छा बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। मेरी दरख्वास्त ही है पूरी कौम से कि उन्होंने हमेशा वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया है, वज़ीर आज़म ने हमेशा उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं, शौकत खानम जैसी फैसिलिटीज़ दी हैं। सो ज़रूर इस मामले में हमने वज़ीर आज़म को सपोर्ट नहीं करनी, एक दूसरे को ही करनी है। तो एक क्रेडिबल रिसोर्स हमारे पास सोर्स मौजूद है जिसके ज़रिए ये हम ये फंड्स वहाँ पहुँचा सकते हैं। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना क्राइसिस से गुजर रही है। ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सबको ये कह रहे हैं कि घर में रहें, बाहर ना निकलें, किसी से हाथ ना मिलाएं, हर वक्त हाथ धोते रहें ताकि इस बीमारी को फैलने से बचाया जा सके। लेकिन हुआ ये है कि जितना भी इसमें हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग फिर भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह से तमाम कारोबार बंद हैं, मुल्क के अंदर टोटल लॉकडाउन है। तो ये लॉकडाउन आपको नहीं पता कि कब तक रहेगा, कब तक इस बीमारी का असर रहता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से लोग जो कि प्रिविलेज नहीं हैं, जिनका जो रोज़ काम करते हैं और रोज़ कमाते हैं, वो बहुत मुश्किल में हैं। और हमारे मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर आबादी उन लोगों पर मुश्तमिल है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने हमेशा कोई भी आफत आई है सबकी मदद की है, हमेशा मदद की है, चाहे सैलाब हो, चाहे जलजला आया हो, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में चैरिटी में सबसे आगे हैं। तो इस ये जो आफत आई है, ये हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। तो मैं, मेरी ये अपील है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उसमें इमदाद करें ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं उस आवाम को हम इस मुश्किल वक्त से निकाल सकें। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इस बार उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपील करूँगा सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि वो इस बार भी पीछे ना हटें, और हमारे मुल्क जिस तरह चैरिटी में मशहूर है कि चैरिटी में सबसे ऊपर रहता है, तो आज भी हमें सबसे ऊपर रहना है और इस काम में हज़ारों लोगों की हमें जानें बचानी हैं। तो प्लीज़ 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 रिलीफ, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड में इमदाद करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड में अपना हिस्सा देने का फ़ायदा ये है कि उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई हैं वो जगहें, वो लोग कि जिनको आज हमारी ज़रूरत है। हम
खुद से जो है किसी की मदद करना चाहें, हमें कितने लोग होंगे जिनका हमें पता होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो चला रही है उन्हें पता है कि किसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी इस वक्त। तो प्लीज़ मैं एक बार फिर कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर करें, स्पेशली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या जमा करवाएं, वज़ीर आज़म का साथ दें, बोल का साथ दें, बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान। जी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गवर्नर साहब इस वक्त जिस मुश्किल घड़ी से हम सब गुजर रहे हैं, हुकूमत भी काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि फलाही इदारे भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बहुत एक्टिव है, इस वक्त सबसे ज्यादा अहम चीज आपके मुताबिक क्या है जिस पर हम सबका फोकस होना चाहिए? जी एक तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे अहम बात है कि हम तमाम तंजीमें जो हैं एक डिसिप्लिन के तहत एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और हुकूमत के साथ कोऑपरेशन करेंगी तो इससे हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा जब हम फलाही तंजीमें जो हैं लोगों से उनका शनाख्ती कार्ड मांगते हैं तो एक घर से 3-4 शनाख्ती कार्ड आ जाते हैं, तो कुछ लोगों का हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो इसके लिए हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि नादरा से हम उनका घराना नंबर लें। और दूसरा हमने ये किया है कि हमने एक पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क आज से 6-7 पहले मैंने एस्टेब्लिश किया था और उसमें हमारी 65 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस नेटवर्क में काम कर रही हैं। तो हमने एक नेशनल डेटाबेस बनाया है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन जिस जिस किसी को राशन मुहैया कर जाती है वो हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है और हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं कि इन लोगों को फलां ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लाई चेन जो है वो पहुंचा दी है, अब दूसरे इलाकों में काम करने की ज़रूरत है। तो माशाल्लाह हमारा तो बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से ये जो है पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क का काम चल रहा है। और दूसरा हमें फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पर हमें पता लगा कि प्रिजन में जो है वो नहाने का साबुन नहीं है, उनके पास कपड़े धोने का साबुन नहीं है, उनके पास मास्क नहीं है, पैरामेडिक स्टाफ जो है जेलों में उनके पास, तो हमारी 5-4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के 9 डिवीज़न है, हमने 2-2 डिवीज़न ले लिए और एक हफ्ते में सारी चीज़ें उनको पहुँचा दी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें इकट्ठे मिलकर काम करने का वक्त है और सबसे बड़ा फोकस जो हमारा होना चाहिए कि लोगों को घरों में राशन पहुँचाएँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जो लोग बेचारे सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाते थे और अपने बच्चों का पेट पालते थे, अब वो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो ये बहुत मुश्किल वक्त है हमारे उन भाइयों के लिए, मज़दूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो इस वक्त हमारे जो लोग अल्लाह ताला ने जिनको रिसोर्स दिए हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने भाइयों की मदद करें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर कोई इंडस्ट्री जो है जो कि फुली फंक्शनल है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और जो चेन हैं वो हैं, लेकिन मुझे इतला आ रही है कि ये जो चेन है बदकिस्मती से पहले 10% लोगों को डिस्काउंट दिया करते थे, इन्होंने वो डिस्काउंट भी ख़त्म कर दिया है और किसी मामले में भी ये आगे नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको वार्न करना पड़ेगा कि अगर इनका किसी ने 10% डिस्काउंट जो पहले देते थे अगर अब इन्होंने देना बंद किया है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आई वांट टू वार्न देम कि हम इनके लाइसेंस जो हैं वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इन हालात में हम किसी को लोगों की मजबूरी से, लोगों के जब मुसीबत का आफत पड़ी हुई है और इनको अगर प्रॉफिट की पड़ी हुई है तो इसको हुकूमत पंजाब में बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा गवर्नर साहब ये भी जरा बताइए कि पंजाब हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है टेली क्लिनिक, इसके हवाले से इसके बारे में जरा कुछ बताइएगा ताकि आवाम इससे मुस्तफीद हो सके, आवाम को पता चल सके आखिर ये है क्या। जी एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 19 मार्च को हमने पाकिस्तान में पहला टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन खोली थी और उसके बाद माशाल्लाह पंजाब में 25 सेंटर जो हैं बन गए हैं जिसमें
80,000 से ज़्यादा लोग जो हैं टेलीफोन पे अपना जो है मेडिकल चेकअप करवा चुके हैं। सही। लेकिन चूंकि हमारे दूसरे सूबे जो हैं उनको भी हम उतना ही प्यार करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनके दुख दर्द में भी शरीक होना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हम टेली मेडिसिन सेंटर जो है बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, अपना गिलगत बल्तिस्तान में, KPK में और इवन आज़ाद कश्मीर में भी माशाल्लाह जो है हम पहुंचा रहे हैं। पंजाब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, एक बड़ा भाई है और इंशाल्लाह बड़े भाई का रोल जो है वो अदा करेगा। हम छोटों सूबों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनको जो भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम उनके लिए हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गवर्नर पंजाब। अच्छा, इस वक्त हमें मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने ज्वाइन किया है। आरिफ साहब, वार्म वेलकम। इस वक्त जो सूरत हाल है बिजनेस कम्युनिटी की, अगर मैं बात करूं तो बिजनेस कम्युनिटी का क्या प्लान है? सूरत हाल की अगर मैं बात करूं तो सूरत हाल तो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और आपके सामने है। आई थिंक इसमें जाहिर है अब ये इस पेंडेमिक के बाद जो है मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है वो बदल गई और आगे भी मुझे लगता है कि दुनिया बदल जाएगी, काम के करने के तरीके जो है वो बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये फाइनेंशियल सेक्टर या कैपिटल मार्केट जो है उसमें तो आप ये देखें कि हमारा सब्सटेंशियल जो टीम मेंबर्स हैं, जो स्टाफ है, वो घर में बैठ के जो है वो काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आइंदा इसका रुझान ज्यादा जो है बढ़ जाएगा कि एग्जीक्यूटिव्स एंड बहुत सारे, क्योंकि ये IT का इतना ज्यादा जो है वो इस्तेमाल और बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से लोग जो है वो ऑफिस में कम जाएंगे और घर से बैठकर ज्यादा काम करेंगे। ऐसा ही। और दूसरा जहां तक कि इंडस्ट्री का ताल्लुक है तो इंडस्ट्री जो है वो SOPs को फॉलो करते हुए जो है वो जहां तक मुमकिन हो सकता है वो काम करते हैं, लेकिन ज़ारे इस को फॉलो भी जो भी जो है क्लोज डाउन की जो ऑर्डर्स हैं उनको भी फॉलो किया हुआ उन्होंने। अब वो बताया गया कि जो एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है वो इंडस्ट्री को जो है वो अलाउ किया जाएगा। फिर ये है कि एग्रीकल्चर को जो है वो एग्जाम किया हुआ है और फिर उसके बाद वहाँ ट्रैक्टर की इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि दोबारा से वो अलाउ कर रहे हैं और फिर अब ये 14 तारीख के बाद से कंस्ट्रक्शन में भी जो है वो SOPs वगैरह को स्ट्रिक्टली फॉलो करके उम्मीद है कि उनको जो है वो अलाउ किया जाएगा। तो मुझे मुझे ये लगता है कि ये बेहतर है कि जो लॉकडाउन जो है जितनी ज़रूरी है जितना उसको ज़रूर फॉलो किया जाए, उसके साथ साथ हम बड़े जो है वो केयरफुली जो है वो हम बिजनेस टू बिजनेस एंड सेक्टर टू सेक्टर कुछ जो है वो हम एक्टिविटी को जो है वो अलाउ भी करें। अच्छा आरिफ हबीब साहब, इस टेलीथॉन के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी को आप क्या पैगाम देंगे कि किस तरह अपना हिस्सा डालें, इस तरह के मौके यकीनन बार बार नहीं आते, क्या अपील करेंगे आप? बिल्कुल, आई थिंक इसमें बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो सबको हिस्सा लेना चाहिए और ले रहे हैं। देखिए आप कई एक बिजनेसेस ने और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के फोरम से बहुत ज्यादा लोग जो है वो इस किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो ये काम कर रहे हैं। बल्कि ये देखिए कि जो हमारा ग्रुप है ये सैलानी के साथ मिलके और बैतुलसलाम के खासतौर पर बैतुलसलाम के साथ मिलके उन्होंने 3 किस्म के जो है वो प्रोग्राम्स इन प्लेस किए हुए हैं। एक प्रोग्राम ये है कि जो ज़कात के ज़रिए जो है लोगों को जो है वो उनको जो राशन पहुंचाना, दूसरा है उनका एक प्रोग्राम है किफालत का, वो किफालत में जो उनकी कॉस्ट है उसका 1/3 जो है वो कॉस्ट पे लोगों को जो है वो राशन और जो अशिया ज़रूरियात है वो प्रोवाइड करें। तीसरा जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और वो ये है कि लोगों को जो है कर्ज हसना जो है की फैसिलिटी दी जाए ताकि वो कर्ज हसना जो है जब वो आज उनके पास काम नहीं है और उनको ज़रूरत है तो वो डिग्निफाइड वे में वो पैसे वहाँ से लेकर या अनाज वहाँ से राशन ले कर जब उनकी दोबारा से जो है वो काम पर वो जाएँ और उनके पास अगर इतनी इस्तेदाद हो तो वो उस उन पैसों को जो है वो वापस करें ताकि इन्हीं जैसे और लोगों के लिए वो जो है ज़रूरत उनके उनके उसके काम आ सके। तो इस तरह और फिर ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है यहाँ चीफ मिनिस्टर का जो फंड है उसमें भी आई थिंक लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब हमसे बात करने का। अच्छा, एक डोनर हमारे साथ मौजूद हैं,
उनसे भी बात कर लेते हैं। जी मियां अंजुम पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। जी मियां साहब क्या डोनेट करेंगे? जी मैं 2 करोड़ रुपए जो है अपने ग्रुप की तरफ से, एटीएस ग्रुप की तरफ से, और 2 करोड़ रुपए जो है अपने फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से। सऊदी अरब के सफीर का भी आपके लिए एक खसूसी पैगाम है, आइए वो पैगाम आपको दिखाते हैं। Dear Pakistan brother and sister, in this time of difficulty and crisis, we stand with you and Pakistan and are doing whatever we can to help out. Together, we shall win the war against coronavirus. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. जी तो आपने ये पैगाम देखा, अब मैं आपको डोनेशन का अमाउंट बताऊंगी। इस वक्त जो डोनेशन है वो है 13 करोड़ 25 लाख और 8 वेंटिलेटर तक पहुंच चुकी है। आज इस मौके पर मैं आवाम से यही अपील करूंगी कि जिस हद तक मुमकिन हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आप डोनेट करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान की ज़िंदगी का बेसिक मकसद ही होता है कि हम इंसानियत को समझें, एक दूसरे के दुख को, एक दूसरे की तकलीफ़ को, एक दूसरे के दर्द को समझें। अगर हम रोज़े की बात करें तो रोज़ा भी हमें यही सिखाता है कि जब हम खुद भूखे होते हैं, खुद हम प्यासे होते हैं, कि हमारे पास खाने पीने की अशिया भी होती हैं, लेकिन एक तो हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में हम खाने पीने की अशिया होते हुए भी कुछ नहीं खा पी रहे होते, और साथ ही साथ हम दूसरों की भूख का, दूसरों की प्यास का भी एहसास करते हैं कि दूसरों की भूख और प्यास का भी हमें एहसास होता है। इसी तरह जो लोग आपकी तरह इतना ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं है, उनकी इतनी हैसियत नहीं है, और इस टाइम पे वो वाकई बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी जो अमाउंट है जितनी डोनेट कर सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है, दिल खोल कर आप डोनेट करें ताकि आप उन लोगों के लिए किसी हद तक किसी भी तरह मददगार साबित हो सकें। और यकीन जानिए ये चीज आपकी रूह को सुकून पहुंचाएगी, यकीन जानिए। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन अपने इख्तिताम को पहुंची है और एक कसीर रकम जमा हो चुकी है जिसकी कुल अमाउंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तमाम रकम प्राइम मिनिस्टर फंड में जमा कर दी जाएगी और ये आपकी अमानत रहेगी हुकूमत पाकिस्तान के पास, जब तक ये मुस्तहकीन तक नहीं पहुँच जाती। इस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह जल्द इस आजमाइश को दूर करे और हम पर रहम करे। इसके साथ ही अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस ट्रांसमिशन के लिए हमारा साथ दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मुआवने खुसूसी शिबले फराज, वज़ीर पार्लिमान अमूर अली मोहम्मद खान, वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी साहब, सऊदी अरब, चाइना, कीनिया और तुर्की के सफीर, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सितारे, डोनर्स और पाकिस्तान की आवाम, जिस जिसने इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाला और इस कोशिश को कामयाब बनाया, उन तमाम का बेहद शुक्रिया। कब देखेंगे हम नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन अपने इख्तिताम को पहुंची है और एक कसीर रकम जमा हो चुकी है जिसकी फुल अमाउंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तमाम रकम प्राइम मिनिस्टर फंड में जमा करा दी जाएंगी और ये आपकी अमानत रहेगी हुकूमत पाकिस्तान के पास, जब तक ये मुस्तहकीन तक नहीं पहुँचती। उस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह जल्द इस आजमाइश को दूर करे और हम पर रहम करे। अपना और अपने करीबी दोस्तों, साथियों और घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि हम कोरोना के ख़िलाफ़ इस जंग में सुरखुरू हो सकें। मैं अपनी तमाम टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।